What's up guys, welcome back to the channel Ishan Tech World। तो finally Redmi की तरफ से जो Note 11s device है उसकी launch date जो है ना वो दोस्तों confirmed हो चुकी है। काफ़ी टाइम से दोस्तों मार्केट में हाइप बना के रखी थी इस डिवाइस ने। अब यहाँ पर जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, मतलब ज़्यादातर स्पेसिफिकेशंस इसके लीक हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा इस डिवाइस से रिलेटेड सारे ही चीज़ों के बारे में, और एंड में मैं लॉन्च और प्राइस के बारे में भी दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं सारे स्पेसिफिकेशंस इसके कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्च डेट के साथ साथ कंपनी ने जो है ना इसके रेयर पैनल को भी टीज किया है। मतलब एक फर्स्ट लुक हमें देखने के लिए मिला कि भाई किस तरीके का डिवाइस जो है ना ये रेयर से देखने के लिए हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर हम छोटी सी दोस्तों नज़र डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं इसका जो कैमरा मॉडल है वो एक स्टैंडर्ड शेप में हमें कैमरा मॉडल देखने को मिलता है। रेक्टेंगल शेप में कैमरा मॉडल इसमें है। हल्का सा बम्प इसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में कंपनी इसमें क्वाड सेटअप जो ना वो देने वाली है। तो ये जो ना दोस्तों बहुत ज़बरदस्त बात है। वहीं पर अगर आप रेयर फिनिश को देखोगे तो यहाँ पर कंप्लीटली कर्व्ड डिज़ाइन में नहीं आता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको जो एजेस है खाली वो कर्व्ड डिज़ाइन में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल ये डिवाइस दोस्तों के हिसाब से मुझे एकदम जबरदस्त लगा है। तो यहां पर फिलहाल तो अभी कंपनी ने सिर्फ इतना ही जो है ना रिवील करने की कोशिश करी है। आई एम 100% श्योर कि जो डिस्प्ले रहेगा वो फ्लैट डिजाइन में रहेगा, और आई थिंक सो मिडिल में इसके पंच होल कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर मैं डिजाइन के हिसाब से बात करूंगा स्पेसिफिकली, तो मुझे डिजाइन के हिसाब से फोन बहुत जबरदस्त लगा है। कंपनी ने प्रॉपर डिजाइन देने की, अच्छी मतलब डिजाइन देने की कोशिश करी है, जिस हिसाब से जिस प्राइस रेंज में कंपनी इस डिवाइस को लॉन्च कर सकती है उसके हिसाब से। ये तो हो गया दोस्तों डिजाइन के बारे में डिटेल्स। अब मैं आपसे बात करूंगा डिस्प्ले फीचर्स को लेके। तो यहाँ पर डिस्प्ले फीचर्स के हिसाब से ऐसी ज्यादातर न्यूज निकल के आ रही है कि 6.43 इंच का फुल एच डी प्लस एमोलेड डिस्प्ले में देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो गाइस मेरे हिसाब से ये भी एक प्लस पॉइंट इसमें मिल जाता है। मतलब डिस्प्ले में इस रेंज में खास तौर से जो कंपनीज है वो ज़्यादातर TFT या तो फिर LCD डिस्प्ले प्रोवाइड करती है, यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है और उसी के साथ में कंपनी इसमें हाई रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करें तो दोस्तों कैमरा फीचर्स को लेके, जी हाँ। तो यहाँ पर डिज़ाइन में हमने देख लिया कि इसमें क्वाड सेटअप देखने के लिए मिलता है। वहीं पर जो इसमें प्राइमरी लेंस रहेगा वो 108 मेगापिक्सल का रहेगा, ऐसी लीक्स निकल के आ रही है। और वो जो 108 मेगापिक्सल का लेंस रहेगा वो सैमसंग का आइसोसेल HM2 सेंसर रहेगा। जी हाँ, मतलब एकदम ज़बरदस्त सेंसर है। आई थिंक सो S20 सीरीज में ये सेंसर हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर कैमरे के हिसाब से एकदम आउटस्टैंडिंग फ़ोन हो सकता है ये। वहीं पर अगर इसके सेकेंडरी कैमरे को हम देखेंगे तो उसके बारे में ऐसे न्यूज़ है कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा, और वो भी सोनी का IMX355 सेंसर के साथ में आएगा। और साथ ही में जो बाकी के दो लेंसेज रहेंगे वो 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर रहेंगे। यहाँ पर गाइज मेरे हिसाब से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो कैमरे के हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशंस लीक हुए हैं, अगर ये कन्फर्म्ड हो जाते तो मेरे हिसाब से ये कम्प्लीटली एक कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन बन जाएगा, क्योंकि एकदम आउटस्टैंडिंग कैमरा डिटेल्स हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ हार्डवेयर फीचर्स के बारे में। जी हाँ, ये वो सेक्शन है जहाँ पर मुझे ये फ़ोन लैक करता हुआ दिखा है। मतलब मुझे जो है ना जो हार्डवेयर इस फ़ोन में मिला है मुझे वो ठीक नहीं लगा है। इसमें हीलियो G95 का प्रोसेसर कंपनी ने दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैं यही चीज़ बोलूँगा कि जिस प्राइस रेंज के साथ में कंपनी इस डिवाइस को लॉन्च कर रही है उसमें अगर Dimensity 720 का भी प्रोसेसर मिल जाता तो वो बहुत ज़बरदस्त बात हो जाती थी। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस प्राइस में कंपनी इस डिवाइस को लॉन्च कर रही है उसके हिसाब से कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें Dimensity 720 प्रोसेसर मिल जाता, एक तो 5G फोन होता, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी अगर आप कंपेयर करोगे हीलियो G95 से तो Dimensity 720 का परफॉर्मेंस जो है ना वो ऑब्वियसली एकदम ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो यही चीज़ थी, मतलब एक बड़ा जो है ना मैं यही ड्रॉबैक बोलूँगा कि इसमें कंपनी ने Dimensity 720 प्रोसेसर तो एटलीस्ट देनी चाहिए थी। साथ ही में अगर मैं रैम के बारे में बात करूँगा तो इसमें 6GB और 8GB दोनों ही रैम वेरियंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करूंगा मैं बैटरी इन्फॉर्मेशन को लेके। तो यहाँ पर देखिए 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल सकती है, इस बारे में तो लीक है। लेकिन कितने वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी वो जो है ना दोस्तों अभी तक आउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं एटलीस्ट 20-25 वॉट की, कितने वॉट की फास्ट चार्जिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन 5000mAh की जो बैटरी कैपेसिटी इसमें देखने के लिए मिल रही है वो एकदम ज़बरदस्त है। वहीं पर एंड्रॉयड जो है ना दोस्तों इसमें एंड्रॉयड 11 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कौन से सॉफ्टवेयर के साथ में डिवाइस लॉन्च होगा। लेकिन अगर एंड्रॉयड 11 के साथ में भी अगर आता है ये तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम 100% श्योर कि कंपनी इन फ्यूचर जो है ना वो एंड्रॉयड 12 अपग्रेडेबल इसमें देगी, और 12 के साथ में ही आ जाता है फिर तो कोई बात ही नहीं है।
तो गाइज ये तो हो गई सारी डिटेल्स इस डिवाइस से रिलेटेड। मैंने आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फाइनली दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्राइस और लॉन्च के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए लॉन्च के हिसाब से तो सबसे पहले बता देता हूँ कि खुद रेडमी की तरफ से इसका लॉन्च जो है ना वो कन्फर्म हो चुका है। फेब्रवरी 9th को ये डिवाइस जो है दोस्तों वो इंडिया में लॉन्च होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं दोस्त बात करूँगा प्राइस के बारे में तो ऑब्वियसली कंपनी की तरफ से कुछ प्राइस तो निकल के नहीं आया है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 या 21,000 में दोस्तों ये डिवाइस हमें देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर देखिए मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अगर 20-21,000 में डिवाइस आ रहा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइज्ड है। अगर ये अंडर 20 लॉन्च होता तो मेरे हिसाब से एकदम ज़बरदस्त प्राइस इसका हो सकता है। मेरे हिसाब से देखो मैं एक ही वर्ड यहाँ पर बोलने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप इस डिवाइस को परचेस करोगे तो आप एज अ कैमरा ओरिएंटेड समझ के इसको परचेस करना। अगर आप हार्डवेयर के हिसाब से जाओगे तो ऑब्वियसली आप जो है ना वो निराश हो जाओगे। तो मैं तो यही बोलूंगा एज अ कैमरा ओरिएंटेड डिवाइस, कैमरा इसमें एकदम आउटस्टैंडिंग आता है तो उसके हिसाब से इसको परचेस करना। हाँ, अगर इसमें एटलीस्ट डायमेंसिटी का प्रोसेसर कंपनी दे देती थी तो मेरे हिसाब से कैमरा एंड हार्डवेयर दोनों ही दोस्तों ये प्राइस रेंज में एकदम जबरदस्त हो जाते थे। तो यही तो दोस्तों छोटी सी चीज, आपको इसके अलावा कोई अपडेट है तो प्लीज कमेंट्स कॉलम में शेयर कर दीजिए। वहीं पर दोस्तों अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरीके की अपडेट हमारे चैनल पर आप मिस नहीं करोगे। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।